आप लोग मॉडर्न कॉलोनी में रहते हैं? लेकिन आपका जाते शरीफ। अरे हमारे बारे में जानकर क्या करेंगे, हमारे बॉस के बारे में जान लीजिए, दुनिया उन्हें सुरेश कबाड़ी के नाम से जानती है। शिव थोड़ा पीछे आ जा, बस खड़ी कंटिन्यू रोलिंग। अक्षित आप इसके क्या चाहते, क्या है? कुछ ज्यादा नहीं, बस आप लोगों की नींदें हराम करना चाहते हैं। क्या मतलब? मतलब कि आप सब लोग जिन जमीनों पे रह रहे हैं वो सारी की सारी जमीन हमारे बॉस की है, सुरेश कबाड़ी साहब की। और आज का अखबार तो आपने पढ़ा ही होगा, फ्रंट पेज न्यूज है। ये गाड़ी रुकी, देखते रहिए, ये कोई बिल्डर उतरा वहां से दरवाजा खोल के, ये आपके सामने चलते हुए आ रहा है। बंधु, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी जमीन पे जो आप लोगों ने आशियाने बांधे हैं इनको उठा के कहीं और ले जाइए। आप लोगों का नया मकान बनवाने का खर्चा बच जाए, क्योंकि ये आशियाने अगर यहीं खड़े रहेंगे तो जमीन दोज हो जाएंगे, क्योंकि मैं इन पर बुलडोजर चलवा दूंगा। अबे ओ, तुम लोगों ने खबर नहीं पढ़ी क्या? कौन सी खबर? वो सुरेश कबाड़ी बोली। अरे भैया आपने तो ये खबर पढ़ रखी है पहले से। आप पढ़ रखी है लेकिन समझ नहीं आई। विभूति भैया, प्यारे भैया, वो घंटे वाला हलवाई है ना, वहां पर एक आदमी अखबार पढ़ रहा। तो तुमने कभी किसी आदमी को अखबार पढ़ते नहीं देखा क्या? तो नहीं बात है। अरे सेठ जी, लौंडे की पूरी बात तो सुन लो। वो ये कहना चाह रहा है कि अखबार में ये खबर छपी है कि मॉडर्न कॉलोनी में जितने भी घर हैं सब इल्लीगल हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मॉडर्न कॉलोनी कोई छोटी सी जगह है क्या? अरे एक आध हिस्सा होगा जिसपे विवाद चल रहा होगा। अच्छा वो जो छाकर गड्डी का जो चौराहा है ना, अगर वहां से आप राइट लेंगे ना, तो राइट में लेने के बाद छाकर गड्डी का जो चौराहा है ना, वहां से आप राइट लीजिए, दुकान और जो मकान है साइड में ना, सारे के सारे इलीगल है। वो इलीगल बिल्कुल। हमें भी यही लगता है कि उसके सामने जितनी भी जमीन है वो सब विवाद मान है। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना मेरी 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी यूं मिट्टी पे मिल जाएगी। है तो इलीगल। विभूति दियो, अब मैं तुझे अपनी ईंट पर। हां क्लोज कर दो।